हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ सब लोग सेफ होंगे, सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आ गया आपकी क्लास का डे 3 लेके, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें आपको इतनी सारी डिटेल मिलने वाली है। ये टॉपिक बेसिकली है डमी के ऊपर, जो बहुत डिमांडिंग है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है कि सर डमी कैसी है, डमी कहाँ से बाय करें। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है और किस तरीके से स्मार्टनेस से आप एक डमी ले सकते हो और अपने लिए अच्छी डमी डिसीजन कर सकते हो कि कैसे लेना है, ठीक है। और साथ अगर आप कुछ भी नया सीखोगे, कुछ भी आपको अच्छा लगेगा, तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं आपका प्यार इसी चीज में दिखता है। बहुत सारा लाइक, बहुत सारा शेयर और बहुत सारे प्यार भरे कमेंट जो हमें मिलते रहते हैं। और डाउट्स भी पूछो यार, आपके जो भी डाउट्स हैं, और ये जो बहुत डिमांडिंग डाउट्स है आपका डमी डमी डमी, तो आज वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डमी कितने टाइप की होती है। ये बहुत सारे लोगों के दिल में डाउट होता है कि कितने टाइप की डमी होती है। ऑनेस्टली बताऊँ और ऑथेंटिकली देखा जाए तो दो ही टाइप की डमी होती है। एक होती है रियल हेयर और एक होती है सिंथेटिक हेयर। अब इसके अंदर जो चीज समझने की वो है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। बट जेनरली देखा जाए तो दो ही टाइप की डमी होती है, सिंथेटिक हेयर और रियल हेयर। इनकी जो कॉस्टिंग होती है, अगर हम रियल हेयर की कॉस्टिंग की बात करें, जो रियल हेयर वाली डमीज होती है वो 20,000 25,000 ऐसे स्टार्टिंग होती है, जो जेन्युइन डमी होती है, और वो 50,000 60,000 तक भी चली जाती है। अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं तो वो 5,000 से स्टार्ट होती है, और वो डाउनवर्ड अगर मैं देखूं तो 600-500 तक उसकी लास्ट कॉस्ट लगती है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक और वैरायटी के बारे में बताता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको दो वैरायटी बता दी है, अब एक वैरायटी है जिसके अंदर रियल हेयर और सिंथेटिक हेयर दोनों मिक्स होता है, यानी मिक्स हेयर डमी। तो इसके अंदर क्या है, यही चीज समझने की है, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली ये बोल के सेल कर दी जाती है डमी की 100% रियल हेयर है ले लो, और हम उसकी ज्यादा कॉस्ट पे कर देते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम हमें बदलता है, अरे यार ये तो बहुत सस्ती मिलती है और हमने बहुत महंगी मिली। ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ और कई सारे लोगों के साथ होता है। तो दोस्तों सिंथेटिक हेयर जो होता है वो आर्टिफिशियल हेयर होता है। अब आर्टिफिशियल हेयर और रियल हेयर में जो कंपैरिजन है वो भी बहुत कम लोग कर पाते हैं, और इसी के चलते आप जैसी मर्जी डमी ले लेते हो और बहुत ज्यादा कॉस्ट पे ले लेते हो। तो मैं अब आपको सिंथेटिक का असली मीन बताऊंगा, आप कैसे उसे जज कर सकते हो, और उसके अंदर भी कई सारी क्वालिटीज आती है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उन क्वालिटी के बारे में भी बताऊँ। बिल्कुल ही बेकार सिंथेटिक होता है, उसको आप कैसे पहचान सकते हो, वो बहुत ज्यादा शाइन करेगा, बहुत ज्यादा स्टिक होगा, बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग होगा, बहुत मोटा होगा, यानी बहुत बालों के कंपैरिजन बहुत मोटा होगा। साथ ही साथ अगर आप उसमें कोई भी मशीनरी यूज करोगे, कम से कम टेम्परेचर पे भी यूज करोगे, तो वो बाल बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, और वहीं से सारे बाल अलग हो जाएंगे। उसके बाद एक और प्रॉब्लम बता दूं जो बिल्कुल खराब सिंथेटिक होता है, उसमें अगर आप कोई भी एक बार वैक्यूमिंग करके उस बालों को खोलोगे तो वो खुलेगा नहीं, जूट की तरह चिपक जाएगा, हीट लगने से तो बिल्कुल खराब हो जाता है। ये होता है बैड सिंथेटिक। ये दो ही क्वालिटी का सिंथेटिक आता है, एक तो बिल्कुल बैड होता है और एक होता है जो अच्छा सिंथेटिक होता है। सर अच्छे सिंथेटिक में आप 150 टेम्परेचर पे कोई भी मशीनरी यूज कर सकते हो, उसके अंदर आप आइनिंग कर्व्स छोड़ के किसी भी तरीके कर्व्स कर सकते हो, उसमें आप कोई ब्लो ड्राई नहीं कर सकते, कोई शेप नहीं डाल सकते, बस हेयर स्टाइलिंग में काफी सपोर्ट कर जाता है। और तो दोस्तों जब भी आप ये डमी बाय करने जाओगे या किसी वेंडर से लोगे, तो किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है इन सिंथेटिक हेयर के लिए। तो सबसे पहले चीज जो मैंने आपको बताई, अगर आपको कोई ये बोलता है जो वेंडर है कि बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग है, क्योंकि अपनी चीज की हमको तारीफ करता है, बट आप कैसे जज करोगे, सिंपल है। आप उससे बोलो क्या सर हम इसके ऊपर टाउन से कर्ल्स कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर में काम कर सकते हैं। अगर वो बोलेगा हाँ जी इस टेम्परेचर पे कर सकते हो, वो आपको यूज करके भी दिखाता है और उसके बाद भी बालों में कुछ नहीं होता, तो अच्छा सिंथेटिक है। एक और चीज उससे ये जरूर पूछो कि बिल्कुल सिंथेटिक है, तो वो कहेगा हाँ ये सिंथेटिक है। अगर वो ये बोलता है कि इसमें रियल हेयर भी मिक्स है, तो आप तभी पहचान जाना उनके बालों को चेक करके। जैसे कि मैंने आपको बताया बाल शाइन कर रहा होगा, बहुत ज्यादा मोटा होगा और स्टिल होगा, बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होगा, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी उसके अंदर, जैसे रियल हेयर के अंदर मूवमेंट होती है, और ब्रेकेज नहीं होगी उन बालों के अंदर, रियल हेयर के अंदर ब्रेकेज भी होती है। तो इस तरीके से आप सिंथेटिक का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो मिक्स हेयर डमी आती है। अब मिक्स हेयर डमी के अंदर क्या है, बहुत सारे वेंडर लोग ना उसको बिल्कुल रियल हेयर बोल के सेल कर देते हैं आपको। मिक्स हेयर को आप किस तरीके से जज कर सकते हो, मैं आपको बताऊं मार्केट के अंदर कितने तरीके की मिक्स हेयर डमी आती है, इसको हम परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं। अगर और इसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी के जो 100% डमी के अंदर 10% सिंथेटिक हेयर अगर मिला हुआ है, तो वो थोड़ी कॉस्टिंग, और अगर किसी के अंदर 20% मिक्स है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी और ज्यादा कम हो जाएगी, अगर 30% मिक्स है तो और कम हो जाएगी, 50% मिक्स है तो और भी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे आपका सिंथेटिक हेयर रियल हेयर में बढ़ता जाएगा कॉस्ट कम होती चली जाएगी, और जैसे ही बिल्कुल प्योर सिंथेटिक आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया वो 800 तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से सिंथेटिक हेयर के अंदर रियल हेयर के अंदर सिंथेटिक मिला होता है।
तो दोस्तों आपको जो मार्केट में डमी मिलेगी, अगर परसेंटेज के हिसाब से मिक्स डमी मिलेगी, तो उसकी जो प्राइस है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ, वो आप पढ़ सकते हो, उसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। और इसको जज कैसे करना है इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। आपने सिर्फ दो वर्ड बोलना है वेंडर को, अगर ये 100% रियल हेयर है तो क्या इसके अंदर कलर हो सकता है? अगर वो बोलते हैं हाँ जी कलर हो सकता है, तो उसके सामने ही कलर करो। अगर कलर नहीं आता बालों में, तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी 100% रियल हेयर डमी नहीं, उसमें परसेंटेज है सिंथेटिक कर्ल्स होते हैं। हाइनिंग कर्ल्स रियल हेयर के अलावा किसी भी बालों में नहीं हो सकते, इवन सिंथेटिक में भी नहीं हो पाते। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप उस टाइम जब भी आप डमी ले रहे हो, तो सबसे पहले काम करो हाइनिंग कर्ल्स करो बड़े रैंडम तरीके से। अगर रैंडम तरीके से हाइनिंग कर्ल्स हो गए, इट मीन्स वो 100% रियल हेयर डमी है और वो अच्छी। एक और चीज मैं आपको बता दूं जज करने का तरीका, अगर आप उसके डमी के बालों में कलर करते हो और उसके कलर बहुत ज्यादा आ गया, मतलब अच्छे से कलर आ गया, इट मीन्स रियल हेयर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और अगर कलर कम आ रहा है, कम दिख रहा है, तो इसका मतलब सिंथेटिक ज्यादा है और रियल हेयर कम है। इस तरीके से आप बालों को हमेशा जज करें। ध्यान रहे जो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है बाल, वो रियल हेयर नहीं है। बहुत से सारे स्टूडेंट है मेरे बेचारे जो रियल हेयर समझ के वो ले लेते हैं, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उनके जो पैसे वो भी वेस्ट हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कि सस्ती सस्ती डमियों को लोग बहुत महंगा महंगा सेल कर रहे हैं, बट आप अगर इस ट्रिक से डमी को देखोगे तो आप जज कर पाओगे। अब मैं आपको दो डमी इंट्रोड्यूस कराता हूँ, दोनों में से मैं आपको बता दूं, एक मिक्स हेयर डमी है और एक सिंथेटिक डमी। तो दोस्तों ये मिक्स हेयर डमी है, एक तो इसमें कलर नहीं हो सकता। अगर कोई मुझे ये बोल के देखता है कि 100% रियल हेयर है और लग भी रहे हैं, बट मैं यकीन कैसे करूंगा जब मैं इसमें कलर कर पाऊंगा, बट इसमें कलर नहीं हो सकता। बट इसमें हाइनिंग कर्ल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ये मिक्स हेयर है। अगर मैं इन हेयर की परसेंटेज बताऊं आपको, इसमें कितना परसेंट मिक्स हेयर है और कितना परसेंट रियल हेयर है, तो इसके अंदर 30% रियल हेयर है और 70% सिंथेटिक हेयर है। तो यानी कि ये इसके अंदर सिंथेटिक हेयर ज्यादा है और रियल हेयर कम है, इसकी वजह से इसके अंदर कई सारी चीजें जो नहीं हो सकती। बट आपने देखा होगा मेरी कई सारी वीडियो में इसमें कितनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग कर लेता हूँ, उसके पीछे एक सीक्रेट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इसके अंदर हाइनिंग कर्ल्स हो जाता है और इसीलिए ये मिक्स हेयर है। और आप देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसकी जो लेंथ है वो आपको ज्यादा भी मिल जाएगी, कम भी मिल जाएगी, और इस हिसाब से प्राइस भी लोग रखते हैं, कोट अलग अलग तरीके से करते हैं कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है तो उसके प्राइस ज्यादा है, और लेंथ शॉर्ट है तो प्राइस कम है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अंदर देखो छोटी छोटी ब्रेकेज भी है, तो इससे पता चलता है कि थोड़ा सा रियल हेयर है इसके अंदर, इसलिए इसमें ब्रेकेज भी है। और ये मैट कितना लग रहा है, शाइन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए ये रियल हेयर इसके अंदर मिक्स है, इसलिए इसमें शाइन भी नहीं है। इस चीज का आप इस तरीके से जज कर। और दोस्तों ये है सिंथेटिक, ठीक है। इसका एक तो शोल्डर नहीं है, बट शोल्डर में भी सिंथेटिक आती है, तो कुछ लोग सिर्फ शोल्डर का ही आपसे कॉस्ट कर रहे होते हैं, नहीं नहीं इसमें शोल्डर लगा है तो इसलिए हम 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं शोल्डर के। बट वो आपने देखना कि आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, मेन तो हमें बालों से काम है, ठीक है। तो इसमें शोल्डर नहीं है, और ये डमी के अंदर अच्छी डेंसिटी है, अच्छी लेंथ है। मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, जितनी सिंथेटिक रियल सिंथेटिक हेयर डमी होगी ना, तो उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी और लेंथ भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये प्लास्टिक हेयर इसको जितना मर्जी लगाया जाए, और जो रियल हेयर है उसको बहुत समझदारी से और कम लगाया जाता है और उसको कॉस्ट के हिसाब से ही बनाया जाता है। कुछ तो डमियां ऐसी मिलती हैं कि आपको 5000 में भी रियल हेयर की मिल जाएगी, मगर उसके अंदर जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। बट सिंथेटिक में अंदर आपको एक चीज अच्छी लगेगी कि आप 2000 वाली लो या 200 रुपए वाली लो, डेंसिटी और लेंथ आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। इससे आप पकड़ सकते हो कि सिंथेटिक है या रियल हेयर। डमी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं थोड़ा समझ में आया तो रिपीट करके अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, जो मुझे पता था बेस्ट है बस मैंने आपको बता दिया। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं डमी लेता हूँ अपने लिए, और सच में मैं अच्छी कॉस्ट में और बहुत बढ़िया डमी ले लेता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ केयर के लिए, आप जब भी हेयर स्टाइलिंग करो डमी को उसी टाइम ओपन करो, कोम करो और अच्छे से क्लीन करके उसको रखो। कुछ लोग स्टाइलिंग कर करके उसको फेंक देते हैं, बाद में उसे खोलते हैं तब तक स्प्रे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, चिपक जाता है, स्प्रे के अंदर एक क्वालिटी होती है, उसको इंस्टेंट हटा दो तो जल्दी हट जाता है, और ज्यादा देर छोड़ दोगे तो बालों में वो जूटनेस और ड्राइनेस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपको वॉश जल्दी करना पड़ता है। आप एक ही इसका ध्यान रखो, जितनी ज्यादा स्टाइलिंग करो उतना ज्यादा डमी को वॉश करो, जितनी कम स्टाइलिंग करो उतना कम आप डमी को वॉश करो। जरूरी नहीं कि आपको डमी को बहुत ज्यादा वॉश करना है, बट आप टाइम से वॉश करो, महीने में आपको डमी को वॉश कर लेना चाहिए, एक महीने के अंदर आपको डमी को वॉश कर लेना चाहिए, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो आपकी रियल हेयर वाली हो, चाहे वो आपकी मिक्स हेयर वाली हो। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि केयर में हम करें क्या, तो केयर में आपने सिर्फ सिंपल एक चीज करनी है, शैम्पू कंडीशनर, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने सिंथेटिक यानी सिंथेटिक भी ले रखी है, तब भी आपको उसको कंडीशनर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले आप शैम्पू करें, शैम्पू कम से कम 2 बार करें जब भी आप डमी को वॉश करते हो, साथ के साथ उसी टाइम इंस्टेंट कंडीशनर लगाएं, यानी मास्क हो या कंडीशनर हो, तो उनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो।
अब यहाँ पे थोड़ा रियल हेयर के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आपके पास बिल्कुल रियल हेयर वाली डमी है, आपने अच्छे से जज करके ली है, तो उसको आप स्पा भी कर सकते हो, उससे और भी ज्यादा अच्छे बाल हो जाते हैं। बट मिक्स हेयर और सिंथेटिक हेयर को आप डायरेक्टली शैम्पू कंडीशनर करो, दैट्स इट। उसके बाद आप बालों को अच्छे से ड्राई करो दोस्तों। ड्रायर के बाद आप बालों को चाहो आयनिंग कर लो, आयनिंग के बाद अपने सीरम लगाना होता है और उसके बाद आप उसको रेडी करके रख सकते हो। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि डमी ले कहाँ से, किस जगह से बाय करें, सर कोई वेंडर बता दो, कोई जगह बता दो, आप सब मुझसे ये पूछने वाले हैं। तो मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा कि आप हम लोगों से डमी ले सकते हो। मैं बहुत सारे वेंडर से बात करके, पता करके, क्वालिटी चेक करके और अपने एक्सपीरियंस के साथ ये डमियां आगे शेयर करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री भी, जो लोग ऐसी डमियां मंगाते हैं और हम आपके तक ये डमियां पहुंचाते हैं। दोस्तों बेस्ट तरीका क्या है डमी हमारे पास हमसे ऑर्डर करने का, आप जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उस पर व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप करके आप उनसे डमी के लिए बताएं, वो आपको डमी की सारी पिक्चर्स भेज देंगे। आप सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सअप पे उनसे कर सकते हो, वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे, पिक्स भी दे देंगे और प्राइस भी आपको बेस्ट से बेस्ट। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको कि अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हो और हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हो और आप न्यू कमर एक्सपीरियंस और आपके पास डमी है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अब आपको कोई डमी अलग लेनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। जो भी आपके पास डमी है, जो भी आपके पास क्वालिटी की डमी है, उस पे भी वो काम हो सकता है जो रियल हेयर की डमी पे होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है सिंथेटिक हेयर जो होते हैं वो मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उनके पास स्टाइलिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आपकी स्टाइलिंग में वो क्लीननेस, वो फाइननेस और वो जो दिखना चाहिए सॉफ्टनेस वो दिखते नहीं, क्योंकि उनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा कम होती है। बट आप वो सब चीजें कर सकते हो, आने वाली मेरी वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप हर तरीके की डमी पे एक रियल हेयर जैसा काम कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं करता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो मैं हर दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि रियल हेयर पे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और डमी पे काम करना बहुत ज्यादा आसान है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। डमी पे जब अगर हम काम करते हैं तो ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं एज कम्पेयर रियल हेयर। रियल हेयर पे ज्यादा आसानी होती है जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं। इसके पीछे कारण ये है सिंथेटिक हेयर, अगर सिंथेटिक हेयर अगर उसमें रियल हेयर में मिक्स हो जाएंगे तो डिफिकल्टी हो ही जाती है, क्योंकि रियल हेयर बहुत अच्छे से कहना मानते हैं, आपका जो काम है बहुत आसान कर देते हैं। बट जो सिंथेटिक हेयर होते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है उसको डील करना, उनको स्टाइल करना। बट इन सारी चीजों के बीच में मैं ये चीज समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टेक्निक आनी चाहिए। अगर आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग की टेक्निक सीख जाते हो ना, तो आपके पास कैसे भी बाल हो आप वो कर सकते हो और वो स्टाइलिंग कर सकते हो जो भी स्टाइलिंग आप करना चाहते हो। तो मेरे नजर में ये है कि आपके पास बस टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए, बाल चाहे जो भी हो आप सेम हेयर बनाओगे बिल्कुल डिटो जैसा डमी पे बनाते हो वैसे रियल हेयर पे बनेगा, जैसे रियल पे बनाते हो वैसा डमी पे बनेगा। बट डमी पे काम करना बस प्रैक्टिस के लिए डमी लेते हैं हम लोग, और प्रैक्टिस के लिए ही डमी को बनाया गया है कि हम प्रैक्टिस को दूसरा टीचर मानते हैं। ओके दोस्तों, आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेशनल रही हो आपके लिए और मैंने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। जितने भी आपके डमी से रिलेटेड डाउट है, डमी कैसे लें, कैसे बाय करें, मैंने कोशिश किया आपको वो सारी ब्रीफ कर सकूं और मैंने अच्छे से आपको डिटेल बता दी हर चीज की। तो अगर आपने इसमें कुछ भी नया सीखा था उसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें बहुत मोटिवेट फील होता है आप ये सब करते हो तो। और आपका ये प्यार जो वीडियो में हमें मिलता है, आपके लाइक से मिलता है, जो आपके शेयर से मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, इसी से आपका साथ हमारे संग है ये फील होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत और बेल आइकन जरूर दबा देना सो दैट जितनी भी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारी हेयर सेक्शनिंग की और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें बहुत कुछ ऐसा जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आपने पूरे वीडियो देखी, लव यू ऑल, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, चलता हूँ, लव यू ऑल।